यूपी को होगा महिला आरक्षण बिल का सबसे बड़ा फायदा। आसान भाषा में समझिए नारी शक्ति अधिनियम की ABCD। पुरानी संसद से नई संसद तक का क्या क्या हुआ। मोदी एक मिनट तक किसके लिए रुके रहे बाहर, सुनिए पूरी कहानी। जाते जाते बदला पुरानी संसद का नाम, नए संसद भवन के श्री गणेश के दिन भी कांग्रेस ने कर दी बड़ी सियासत। देश को जिस बात का इंतजार कई दशकों से था, उसे मोदी ने कर दिखाया। लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पास हो गया, जिसके बाद अब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। यह ऐसा बिल है जिस पर विपक्ष ने भी कोई खास आपत्ति नहीं जताई, लेकिन सवाल है कि ये लागू कब से होगा, 2024 से या 2029 से। इसकी पूरी ABCD क्या है तो वो बताएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। 12:45 पर पीएम मोदी पुरानी संसद से निकले और नई संसद की ओर बढ़े। पूरा रास्ता करीब 1 से 2 मिनट का है। पुरानी संसद के 4 नंबर गेट से पीएम मोदी सत्ता पक्ष के सारे सांसदों के साथ निकले थे, पर जैसे ही आगे बढ़े कुछ कदम चलने के बाद रुक गए। उनकी सुरक्षा में तैनात SPG के जवान तुरंत आगे बढ़े। बगल में खड़े अमित शाह, JP नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी पूछा क्या हुआ। तभी अनुराग ठाकुर पीछे की ओर जाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी अनुराग ठाकुर के लिए रुके हों। इस दौरान उन्होंने करीब 1 मिनट तक रुककर सांसदों से भारत माता की जय का नारा भी लगवाया। लेकिन जैसे ही हाथों में फाइल लिए एक सुरक्षा कर्मी के साथ अनुराग ठाकुर आगे बढ़े, तस्वीर साफ हो गई। अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को चश्मे का डिब्बा थमाया, मोदी ने चश्मा लगाया और आगे बढ़ने लगे। इस बार उन्होंने नई संसद पर मत्था नहीं टेका, बल्कि सीधा राजनाथ सिंह, अमित शाह और JP नड्डा के साथ कदम रखा और सीढ़ियां चढ़ते चले गए। पर इसी दौरान कांग्रेस ने सियासत भी कर दी। दरअसल पीएम मोदी ने आग्रह किया था कि सारे सांसद साथ साथ नई संसद में प्रवेश करेंगे और इसलिए गेट नंबर 4, जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होता है, वहां से आम सांसदों को भी निकलने दिया गया। पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सारे नेता उस गेट से बाहर ही नहीं आए। उन्होंने गेट नंबर 1 का रुख किया और पीएम मोदी के सदन पहुंचने के थोड़ी देर बाद सदन पहुंचे। सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी ने संविधान के प्रति के साथ फोटो क्लिक कराई। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े बड़े सांसद अधीर रंजन चौधरी का हाथ पकड़े नजर आए। हालांकि बाहर सियासत कर रही कांग्रेस जब नई संसद पहुंची तो उसे मजबूरी में ही सही, पर मोदी की नीति का समर्थन करना पड़ गया। अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति अधिनियम पेश करते हुए संसद में कहा, इससे देश में ऐतिहासिक बदलाव आएंगे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इससे क्या क्या बदलेगा अगर ये बिल कानून बना तो। फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है, जो बढ़कर 181 हो जाएगी। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 25 है, जो 80 हो जाएगी। यानी दोनों सदनों में 250 से ज्यादा महिला सांसद होंगी। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसीलिए 26 लोकसभा सीट और 132 विधानसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, वहां भी असर दिखेगा। हालांकि अभी ये नियम बनेगा, फिर सीटों का निर्धारण होगा। ऐसे में 2024 चुनाव में इसके लागू होने की कम ही उम्मीद है। साल 2029 में आप इसे लागू होता देख सकते हैं, जब देश की हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। हालांकि इस बिल के कानून बनने के बाद एक सबसे बड़ा डर ये है कि इससे शहरी और समर्थ महिलाएं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी। साल 1996 से अब तक ये बिल ऐसे ही कई वजहों से पास नहीं हो सका था। खुद शरद यादव ने एक बार कहा था कि इससे प्रकटी महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो गांव की गरीब महिलाएं कहां जाएंगी। आज राबड़ी देवी भी यही कह रही हैं कि महिला आरक्षण के अंदर भी SC ST और OBC आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। तो सवाल है कि जब पहले से ही इन जातियों को आरक्षण मिल रहा है तो महिला आरक्षण में जाति घुसाने की क्या जरूरत है। अभी इस बात पर अलग बवाल मचने वाला है, लेकिन राबड़ी देवी और मायावती चाहे कुछ भी कहें, मोदी ने अपने इस ब्रह्मास्त्र से देश की आधी आबादी को खुश कर दिया। पहले उज्ज्वला योजना लाकर महिलाओं को सिलेंडर दिया, फिर पीएम आवास योजना की चाबी महिलाओं को देकर उन्हें सशक्त बनाया। उनके रोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं पहले से चल रही हैं। गांव की गरीब महिलाओं को बैंक तक पहुंचाकर उनके खाते खुलवाए और अब आरक्षण देकर पॉलिटिकल पार्टियों को संदेश दे दिया कि महिलाओं के नाम पर सियासत बहुत कर ली आपने, अब आप भी वोट बैंक से हटकर देश की महिलाओं के लिए काम कीजिए।